इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप पर फिरौती मांगने वाले गिरोह के एक सदस्य को श्रीगंगानगर पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 10 अप्रैल को श्रीगंगानगर के रहने वाले रजत सिडाना को धमकी दी गई थी कि अगर उसने 25 लाख रुपए नहीं दिए तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। घटना के बाद रजत ने जवाहरनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपी जसंदीप के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसपी हेमंत शर्मा ने बताया कि जेल में बंद बदमाशों ने फिरौती के लिए फोन किया था। मामले की जांच जारी है और बाकी आरोपियों को भी पुलिस वारंट पर लेकर आएगी। दस अप्रैल को एक हमें सूचना मिली कि किसी व्यक्ति को फोन पे एक्सटॉर्शन की धमकी मिली है। उसमें हमने मुकदमा दर्ज करके एक विशेष टीम एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह जी और उनके साथ में सीओ सिटी स्माइल एसएचओ जवाहरनगर प्लस एसएचओ सदर इनके नेतृत्व में एक टीम हमने गठित की, जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया। ये पता चला कि ये जो धमकी और जिस जहाँ से आ रही है वो बठिंडा और फजिलका साइड से कुछ लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ग्राउंड इंटेलिजेंस, कुछ तकनीकी साक्ष्य इनकी सहायता से जसंदीप और देवेंद्र को नामजद किया और उस तक पहुंच के उसको कल उसको अरेस्ट किया है। इस मामले की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं कमलदीप। कमलदीप, बताएं कि पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ में क्या बात निकलकर सामने आई? देखिए, अब तक की पूछताछ में यही सामने आया है कि जसंदीप जो अभियुक्त है, जिसको पुलिस ने राउंड अप किया है बठिंडा से लेके आए हैं, ये अपने साथियों के साथ मिलके जो जेल बठिंडा की जेल में एक गिरोह चला रहे थे, उनके साथ मिलके रजत सिडाना को धमकी दी 25 लाख रुपए की और फिरौती के लिए इस प्रकार की इनकी लगातार कोशिश थी कि 25 लाख रुपए इनके पास आ जाएं। और गैंग बड़ा गैंग है ये पंजाब का और लगातार जेल से ही इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। हालांकि एसपी ने बताया कि बाकी लोगों को भी प्रोडक्शन वारंट पे उनको लेके आया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे पेच में ये साफ दर्शाता है कि जेल से इस प्रकार का नेटवर्क चलना एक बहुत बड़ी अपराध का यूं कहें कि नेटवर्क कह सकते हैं। तो अभी फिलहाल एक जसंदीप को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, इसे पूछताछ की जा रही है बाकी, और रजत सिडाना से साथ में ये पूछताछ की जा रही है कि कहीं उसने पैसे दिए तो नहीं। कमल जी, आपने ये बात करने की कोशिश की पुलिस अधिकारियों से कि आखिर जेल में फोन कहां से पहुंचे, कि जेल के अंदर इतनी सुरक्षा के बावजूद? पंजाब का मामला है, पंजाब के जेल से इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हो चुकी है, काफी लगातार इस प्रकार की खबरें आती रहती है कि पंजाब में बड़े नेटवर्क चलते हैं जेल के अंदर से। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के अधिकारी इस पे ज्यादा कुछ नहीं बोलने से परहेज करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते, और निश्चित तौर पे मामला गंभीर है और पंजाब सरकार से जुड़ा है, तो राजस्थान की पुलिस वैसे ही ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। कमलदीप, साथ में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उस पर किन किन धाराओं के तहत और क्या क्या मुकदमे उस पर दर्ज हैं? देखिए, फायरिंग की घटना की हुई है इस व्यक्ति ने, जसंदीप ने। इसके अलावा मारपीट की कई घटनाएं, 307 के भी कई मुकदमे हैं, काफी मुकदमों में ये वांछित है और अभी स्टैंडिंग मुकदमे चल रहे हैं। इससे आपराधिक प्रवृत्ति का ये युवक है, इसके साथ में जो युवक हैं वो भी बड़े अपराधों में संलिप्त हैं। जी कमलदीप, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है।